Good day, dear students. Grade 6. Welcome to your drawing class. Let us learn how to water colors. तो आपको water color करने हैं तो देखिए आपको wet in wet यानी कि अगर आप इस पर गीले कलर कर रहे हैं तो गीले कलर पे ही आपको दूसरा गीला कलर करना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, फिर आपको ऐसे ही करना. सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे. फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे, लाइट कलर करना है हमें. ये देखिए हम सबसे पहले लाइट कलर करेंगे, ठीक है, ये वाला कलर, ठीक. फिर उसके बाद हमारा ये मीडियम है, फिर सबसे डार्क ये है, तो हम सबसे पहले ये वाला कलर करेंगे. तो देखिए अब जो हमारा बाकी का कलर बचा है इसमें हम थोड़ा सा ब्लू कलर और करेंगे, डार्क हो जाएगा हमारा. जो हमारा ब्रश होता है जो चौड़ा थोड़े चौड़े बाल होते हैं उसमें, एक तो ऐसा होता है बारीक नोक का और एक चौड़ी नोक का, तो हमें चौड़ी नोक की तरफ से करना है कलर. इसमें देखिए कैसे करना है, इसमें आपको दिखा रखा है, कहीं को लाइट कहीं को डार्क, ठीक है. देखिए हम थोड़ा सा येलो कलर भी ले सकते हैं मामूली सा. अब हमें मैंगो में कलर करना है तो हमें लाइट येलो कलर लेना है, ठीक है. तो देखिए आप सारे में येलो कलर ही कर लेना इसमें.
ये देखिए हमने येलो कलर कर लिया। अब हमें इसमें देखो दूसरे में, इसमें थोड़ा मीडियम कलर है, इसमें आपको थोड़ा ऑरेंज लेना है, ठीक है? तो ऑरेंज कलर कैसे बनेगा, हमारा ये येलो कलर है, येलो में ही हम आपको थोड़ा सा रेड कलर मिलाएंगे। मिलाएंगे क्या, आप इसी में कर लो क्योंकि गीले पे ही होएगा, तभी इसमें मिक्स होएगा जाके। ये देखिए हमारा ऑरेंज कलर बन गया है। और इसी में ही हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर लेना है, ठीक है? क्योंकि हमारा ये गीला है अभी, हमने इसमें कलर किया है, इसी में ही हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ले। इसमें हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर करना है। ये देखिए और थोड़ी सी शेप इसकी हमें ब्राउन की देनी है, ठीक है? अब इसमें हमें ब्लैक से कहीं कहीं पर शेड करनी है, थोड़ा सा ही लेना है बिल्कुल। इसी से हमें ब्लैक की आउटलाइन करनी है। ठीक है, आपको इस तरह से कलर करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आप कलर करेंगे उसे सूखने मत देना, क्योंकि अगर सूख गया तो फिर वो अच्छे से कलर नहीं होंगे। आप गीले के ऊपर गीला ही कलर करना। ओके, थैंक यू।